ओके तो मेरा शूट हो गया, अब हम आए हुए हैं दूसरी लोकेशन पे, यहाँ पे आप ही का शूट हो रहा है जी। हमारे यहाँ पे खाना सामान, कुशनदान, छोटी बच्चियाँ और बाहर हो रही है लाइव कुकिंग। वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज ईद का दूसरा दिन है, आप सब लोगों को ईद मुबारक बहुत बहुत ज्यादा एक बार फिर से सम एस्ट्रोलॉजी की तरफ से। सो गाइज, आज का दिन बहुत मजा आने वाला है क्योंकि आज हमारे घर गेस्ट आने वाले हैं, आज हमारे घर बफे सिस्टम लगने के बाद है, बाहर कोई सेट वेट भी रेडी हो रहा है, कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है। अच्छा, आज एक तो मौसम भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है, सो मैं आपको दिखाती हूँ कि हम लोग अभी तैयार नहीं हुए, कपड़े शपड़े नहीं पहन रहे। ये देखे ना जरा, मानो तुम हमेशा मेरे साथ मैच क्यों करती हो। टुडे आई आल्सो गोना वेयर ग्रीन कलर। ड्रेस दिखाओ इधर आके जरा। ओ वाओ, यस प्यार है। मैंने आई मेकअप भी इसके साथ का किया। ओहो, खुद ही किया है। और कोई बात नहीं, मैंने देखे ना कितना जबरदस्त अपना मेकअप किया, लाइनर लुक बनाई है। ये देखें, इस लड़की से ज्वेलरी नहीं डिसाइड हो रही, ईद के दूसरे दिन भी इसका ऐसे लग रहा है इसका वलीमा। इधर देखो, ये पहन लो ताज। यार ये ताज नहीं है, नेकलेस। सो मैं आपको दिखाती हूँ कि राबिया ने इतने प्यारे कपड़े पहने हैं, गरारा टाइप, गरारा काइंड। और मैं आपको जरा इसके ड्रेसिंग टेबल का गंद भी दिखा दूँ। हर लड़की जब अच्छे लग रहे हैं। मैं क्या करूँ, मैं बताओ, अभी लेट हो रहे हैं, लेट हो रहे हैं, जल्दी जाओ। इसके साथ ना पहनो, इसके साथ नेकलेस नहीं अच्छा लगेगा, या पहनना है ना तो इस तरह की, ये झुमके भी अच्छे नहीं लग रहे। इस तरह की ज्वेलरी पहनो, इस तरह का। हाँ चलाओ दूँ। आज ड्रॉबैक के काम आने वाला है मेरी मम्मी का ड्रॉअर। इसके साथ नेकलेस तो है ही नहीं, इसके साथ बहुत कुछ है, बड़ी चीजें यहाँ पड़ी होंगी तुम्हें नजर नहीं आ रहा। वैसे इसके साथ ये सबसे अच्छे लगेंगे, सबसे अच्छे, बहुत प्यारे। हाँ जी, सो ये हमारे घर पे आज आपको मैं दिखा दूँ, मेहमानों के साथ साथ हमारे घर का सेटअप भी लग चुका है। रात पे इवेंट है और इतनी तेज हवा चल रही है कि आपको मैं क्या बताऊँ कि हमारी सारी ये जो फूल चढ़िया है ना, उतर गई। वाह, असली प्रिंसेस तो अब आई है, बहुत प्यारी लग रही हो। डिसाइड कर लिया कि मैंने मेरी फुल लुक दिखाओ, मानो कितनी प्यारी लग रही हो यार। अच्छी लग रही हूं जरा मेरे। ओ ये क्या लाइट्स लगी हुई है, मैंने तो अब देखा है, ये रात को दिखाएंगे आप लोगों को कितना प्यारा लग। दिस इज माय, बहुत प्यारी लग रहा हूं, उनसे घूमने आओ जरा। हम जरा ट्रेनिंग कर रहे हैं आज। हां, मानो ने हमेशा मेरे साथ ही मैचिंग करनी होती है। अब ये हुआ है कि जी राबिया मैडम फोटोग्राफर्स को लेके चली गई और मैं यहाँ बैठ के इंतजार कर रही हूँ कि मेरी भी कोई अच्छी सी पिक्चर्स आ रहे हैं, पिक्चर्स मतलब पिक्चर्स। तो वो देखो, ये आओ पानी पानी लेके खड़ी हूं, आप व्लॉग बना रही हो तो क्या करूँ मानो, प्यारी तो इतनी पे भी मुझसे काम करवाती है। तो छोटी बहनों का यही तो होता है, बुरी बात होती है, ऐसे किसी से काम नहीं करवाना चाहिए, ऐसा किसी से काम नहीं करवाना चाहिए। बड़ी बहनें इसलिए होती हैं कि छोटों से काम करवाना चाहिए, छोटों से शफकत और बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। मानो ने कल इतना प्यारा मेकअप किया और आज ये तो बुरी बात है। आंखें तो देखें, आंखों के सागर, होठों के सागर। अच्छा, ये फोटोग्राफर के साथ चली गई थी और ये देखो सर, मेरी आंख में ना क्या हुआ, लेंस है, खो रहा लेंस है, नहीं लेंस तो नहीं है, मानो लेंस रबे लेंस है? नहीं, ये देखो मेरी आंख में रेड रेड हो गया, बहुत दर्द। हां रेड हो गया, जाके लेंस निकालो। जब नहीं है आदत तो क्यों पहनती हो, एक तो इन बच्चियों ने लेंस जरूर पहने होते हैं, आदत नहीं है पहनने की, फिर भी पहने। ईद मुबारक। ओके तो मेरा शूट हो गया, अब हम आए हुए हैं दूसरी लोकेशन पे, यहाँ पे आप ही का शूट हो रहा है, तो आए आप ही से मिलते हैं। आप ही लोगों को बताओ कि आपका शूट कैसा। हाँ तो यहाँ पे मेरा शूट, मेरी आँख में बहुत तकलीफ और राबिया ने को किसने कहा था पंगे ले, और सेकंड डे का भी शूट, इट्स नॉट एन इजी टास्क टू डू, यू नो। आपको लोकेशन अभी हमारे घर बहुत जल्द गेस्ट आ जाएंगे तो फिर सब अच्छा लगने लगेगा। अभी अभी आंखें भी अच्छी लग रही है, अभी मिर्चें लग रही हैं इसको, अभी काम लग रहा है क्योंकि हम रोज यही काम करते हैं इसीलिए। ये देखिए मेरे पापा क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, सुई में धागा डाल रहे हैं, दर्जी बने हुए। इसको क्या हुआ आपके साथ, मेरा ना बटन टूट गया, दर्जी ने आपके सही बटन। इस वक्त पापा की
बटन टूट गया और पापा खुद ही सुई हुआ, क्योंकि मामा के पास भी टाइम नहीं है, ना दर्जी के पास टाइम है, ना मामा के पास टाइम है। अब मैं डाल के दूंगी, खुद देखिए कैसे डर लगे मैं धागा डालने। पापा जी नहीं डालना आपसे। ये मम्मा ही डालेंगी, मम्मा अभी तैयार हो रही हैं। मम्मा कितनी प्यारी पापा के साथ मैचिंग करके तैयार होके आ गई हैं इस वक्त, और बटन ही नहीं एक पापा का लग रहा, मुझे नहीं समझ, लेकिन पापा ने सोचा कि वो अपनी बीवी से नहीं अपनी बहन से लगवाएंगे। फाइनली जिसका काम उसी को साजे, अम्मी के अलावा किसी से नहीं हो रहा। मेरी पुप्पो को आता है, लेकिन पुप्पो ने कहा कि बाजी हूं तुसी ला दे। चलें जी, अब मैं आपको मिलवाने वाली हूँ हमारे ब्लॉग की एक और, ओह माय गॉड, कल शीशे पहन के थक गई, आज एक्स्ट्रा सिंपल हो गई है यार, ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है। और इतना वजन था, ऐसा लग रहा था 1.5 किलो ऊपर है, 1.5 किलो आज 1.5 किलो की मैं बनी हुई। चोट भी लगी है उससे, और पता है इस वक्त मेरे बाजू भी छलनी हो रहे हैं। ये देखिए मैं आज शीशो शीशी हुई हुई हूँ, और ये सिंपल ड्रेस कहाँ से लिया? तुम ऐसे लग रही हो वलीमे की दुल्हन और मैं मेहंदी की। मैं लग रही हूँ मतलब मैं मेहंदी वाली, मैं शादी में आया हुआ गेस्ट लग रही। नहीं गेस्ट भी नहीं लग रही, तुम पता शादी में जो एकदम से आ जाता है ना, जो दोस्तों की दोस्त की दोस्त आती है ना, दूर की दोस्त। नहीं 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 नाराज भी जिसको बच्चे को मार मार के मार आती ना, आ जा तू भी आ जा, जो पीछे वेले नहीं कट्ठे करती वो हमारी कजन, इसको बोल रिफा हीरा वेले इकट्ठी करती, हीरा तुम वेले इकट्ठी करने वाली, इतनी प्यारी वेले इकट्ठी करने वाली, फिर तो लोग वेले ही फेंकेंगे। सुबह से मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, मुझे आज बुखार था, मैंने किसी को नहीं बताया, मैं खुद ही रेडी होके आई। जी तो मैं आपको बताती हूँ कि ये मेरी बहनों ने यहाँ हमारा सेटअप रात के टाइम इतना खूबसूरत लग रहा है, इतना प्यारा लग रहा है। अभी मेहमान आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता करके ऐसे, ये मैं ये पता है ये ईद का तीसरा दिन नहीं लग रहा है, ये ऐसे लग रहा है राबिया की माइयों, वो देखे पीछे दुल्हन हमारी, राबिया क्या पागल होगी हो। जी हमारे यहाँ पे खाना सामान कुशनदान, छोटी बच्चियां, और बाहर हो रही है लाइव कुकिंग। सो हम पूछते हैं जाके कि आज हमारे घर में क्या बन रहा है। ये देखिए जी आज यहाँ पे बन रहा है बारबेक्यू। है रचने वाला प्रॉपर लग रहा है, हाथों की गहरी गोल घूमो और बैठो, फिर आएगा आप ही की माइयों हो रही है, और माइयों वाली कुड़ी। मैं तो पागल हूँ, इट्स नॉट माइयों, इट्स सेकंड डे ऑफ ईद। मुझे इसमें ना चांद रात वाइब्स आ रही है, पता है चांद रात वाइब्स। हमारे घर में बारबेक्यू भी हो रहा है, मेसा भी ले लो जा, सबके साथ एक ही चलाई जा रही है। झुमके आप ही बुलाने से आते, ऐसे बैठे बैठे थोड़ी आ जाओ। अब आप तैयार है कम्प्लीट? वाह मेहमान आ रहे हैं 5 मिनट तक, हमारे गेस्ट आ गए हैं, मिलन मिलान चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं भी मिल रही हूँ, देख लो। नहीं, औरतें फैशन कर लें तो मर्द काम कर रहे हो तो ये हाल होता है। वेरी नाइस, nice. काम कर रही हूँ। अच्छा ये मम्मा भी काम कर रही है, भाई आप लोग ये मत कहिएगा, ये हमारा प्रॉपर काम चल रहा है, केटरिंग वाले केटर कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। और चलें जी बच्चों खाना खुल गया, प्लीज ये रश देखें जरा इन बच्चियों का। बहुत थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा, थोड़ा सा। और मेरी एक बहन बिल्कुल कानी हो चुकी है यार, मेरी आंखों में दर्द हो रही है, राबिया को नजरा लग गई है। जब इंसान खूबसूरत लगता है तो उसकी नजर, उसको नजर, कल राबिया बहुत प्यारी लग रही थी, राबिया को भी नजर लगी, हीरा को भी रात को बुखार चढ़ गया था। ठीक है इससे आपकी फिंगर हीट अप हो जाती है, एंड आप इससे हीरा ये वीडियो देख लेती। अच्छा लग रहा है, चलो जी हीरा की किसी की आंख सूज रही है, पानी निकल रहा है, जो भी हो रहा है हीरा की ट्रिक पे अमल किया जाए ताकि आपकी आंखें ठीक हो। ये लड़की ने आज साड़ी पहनी थी और बदल के आ गई है कपड़े, और एक कान में झुमका, तो किसने तुम्हें मशवरा दिया था कि ईद के दूसरे दिन साड़ी पहने? जैसे इसने मुझे शीशों का मशवरा, ये लड़की वैसे तो नहीं डरती किसी चीज से, मैंने इसको प्रैंक किया, ये नहीं डरी,
आज किसे डरी हो? असली चुटकुले जमीन पे चल रही यार, बहुत ज्यादा मजाक नहीं है ना। उस दिन तो कहती थी यहो जिया कच्चियां अंबियां सी बहुत चुभाइया ने यार, लेकिन तुम्हें पता है ना रियल का मजाक, दिल तो फिर डरपोक ही रखती हूं। ये मेरा कैमरा रक्षंदा आई औरत की माही में चल रही है। काली काली तेरा गोरा गोरा मुखड़ा है रे मम्मी रे। अब हम लोग जा रहे हैं अपने नेबर्स के यहाँ पे, जो हम लोगों के घर खाना बना था, हम वो खाना डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जा रहे हैं। अपने साथ साथ अपने नेबर्स का भी ख्याल रखना चाहिए। यार मुझे भी डांस में ले ले यार, डांस करके दिखा। हाँ ठीक है ठीक है, चलो ठीक है ठीक है डन। देखें दोनों मस्तियां करती हुई बदतमीज है दोनों। मैं इनमें एंटर नहीं हो सकती, मेरे बाजू देखें, जिसकी वजह से जिसको भी टच करूंगी जख्मी करूंगी। मैं क्या करूं मुझे समझ नहीं आ रहा। पार्टी खत्म हो चुकी है, अब यहाँ पे टी पार्टी हो रही है। अच्छा सबकी ईदियाँ होती हैं ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन हमारे घर की एक औरत है जिसकी ईदी ख़त्म होने का नाम नहीं लेती, और सबसे ज़्यादा इस औरत को ईदी अपने दोनों बैग्स खोल के ऐसे प्रैक्टिस कर रही है गिनने की जैसे बहुत अमीर है। वाह वाह, और रिच फातिमा मेरी ईदी बड़ों को ईदी नहीं देती। अच्छा मैंने भी दो राबे और ज़ैनब को ईदी। ये कौन सी किताब में लिखा है? राबे कितनी ईदी यार, मुझे ये 5000 के दो नोट दे दो, अल्लाह तुम्हें खुश रखेगा। नहीं पागल हो, 5000 के मेरे पास 4-5 रखे हुए हैं यार। फातिमा बताओ कितनी सारी, मुझे तो दे दो ना। 500 रुपया यार मेरे साथ, मुझे कोई भी नहीं देता। सबने मुझे हजार दिए, तुम तो ज्यादा। आज भी सबको इकट्ठी सारे सारे डिल्स, पप्पा ने भी दी, सबने दी, इतनी दी जमा हुई। 1500 रुपया अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह। ऐसे नारेबाजी कर रही है ये औरत का पेट नहीं भरता बदतमीज का। देख सकते हैं मेरी कमरे की हालत, ये हाईलाइटर टूटा हुआ है, ये मेकअप बिखरा हुआ है, मेरी बहनों ने आके मेकअप किया और कमरे का सत्यानाश कर दिया। मेरे साथ हमेशा ये होता है, मेरी बहनें मेरे कमरे में आके इतना गंद डाल देती हूँ, उसके बाद मेरी मामा मुझे डांटती तो अपना कमरा साफ नहीं करती हूँ। और मेरा कमरा बिल्कुल साफ हो गया, मैं बहुत थकी हूँ। इंशाल्लाह आप लोगों से मेरी मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, स्टे कनेक्टेड विद एस्ट्रोलॉजी एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।